श्री अकाल तख्त साहब दे विच अहम बैठक हो रही है। जथेदार वालों बेअदबी मामलों से सदी गई है। यह बैठक लगातार जारी है। निहंग सिंह जथेबंदियां सने होरना जथेबंदियां भी शामिल ने। साबका SIT मुखी रणबीर सिंह खटड़ा भी मौजूद ने। एक वड्डी खबर अमृतसर तो मनी जा रही है, जिथे कि बेअदबियां मामलों के विच एक बैठक सदी गई है जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों। अहम मनिया जा रहा इस बैठक में, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद हुण श्री अकाल तख्त साहब ने दखल दिता है बेअदबी मामलों के विच। आखिरकार जदों SIT नवी SIT जो है वो काम कर रही है तेजी नाल, ते उधर श्री अकाल तख्त साहब ने भी दखल दे दिता है, जिस विच SIT साबका SIT रणबीर सिंह खटड़ा जो मुखी सीगे उन्हां नूं सद्या गया है। उन्हां दे नाल गलबात हो रही है, मीटिंग लगातार जारी है। सो इस वधेरे जानकारी लई मेरे सहयोगी अमृतसर तो तपिन मल्होत्रा साडे नाल जुड़ चुके ने, उन्हां तो वधेरे जानकारी चाहवांगे। तपिन, असीं देखिया है कि 6 महीनों का समा दिता गया, जिस विच बेअदबी ते कोटकपुरा मामले दे विच, ते SIT जो नवी है वह भी तेजी नाल काम कर रही है। दोषियों नूं मुलजमान नूं फड़िया भी जा रहा है, जमानतां ते भी आ रहे हैं, पर इस विचाले कितना कितने हुण श्री अकाल तख्त साहब ने दखल दिता है। की मायने मन्ने जाण अज दी इस बैठक दे? जी बिल्कुल, खास तौर से रणबीर सिंह खटड़ा जिहड़ा इस मीटिंग दे विच सद्दा दिता गया, ते सारियां सिख जथेबंदियां जिवें कि असीं तस्वीरां सांझियां भी करदे पए दर्शकां नाल, कि सारियां सिख जथेबंदियां जिहड़ीआं इत्थे पहुंचदियां पए, क्योंकि असीं अगर देखीए ते 4.5 साल इस सरकार नूं ते 14 महीने पिछली सरकार नूं, लगभग 6 साल हो चुके ने, ते हजे तक बेअदबी दे जिहड़े दोषी ने उह सलाका पिछे नहीं पहुंच पाए। ते इसे नूं लै के अकाल तख्त जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों जिहड़ा ये सारी सद्दा दिता गया सी इस मीटिंग में, बीबी जगीर कौर ते होर अड्ड जिहड़ियां पंजाब दीआं सिख जथेबंदियां ने वो पहुंचियां होईआं, ते विचार वटांदरा हो रहा, ते ये दस्सिया जा रहा कि इहदे विच कड़ा संज्ञान भी लिता जाएगा, अल्टीमेटम भी दिता जाएगा, ते एक बजे जिहड़ी हैगी है अकाल तख्त दे जथेदार जिहड़े ज्ञानी हरप्रीत सिंह जिहड़े ने वह मीडिया के नाल रूबारू भी होणगे। जी जी तपिन, जेकर गल करिए तां किहड़ी किहड़ी सिख जथेबंदियां पहुंचियां होईयां ने, ते की सिट्टा की निकल के आएगा इस विच, की पंजाब सरकार दे खिलाफ जां उहनां नूं कोई अल्टीमेटम दा कोई मता पास कीता जा सकदा है? जी बिल्कुल, जिवें कि मैं पहले भी जिक्र कीता कि अल्टीमेटम जिहड़ा उह तां जिहड़ा हैगा उह दित्ता जाएगा, जां इहदे विच टाइम दी रूपरेखा, जां जिवें कि पहलां वी अकाल तख्त दे जथेदार जां बीबी जगीर कौर कह रहे ने कि बार बार उन्होंने कई बयान दिते ने, कि इहदे उप्पर राजनीति भी जिहड़ी है वो कितने ना कितने हुंदी हुई नजर आई है, ते कितने ना इंसाफ जिहड़ा वो नहीं मिल पाया, ते इस करके रणबीर सिंह खटड़ा ने उन्होंने भी खास तौर पर सद्या सीगा, क्योंकि उन्होंने पहले तौर पर मुढ़ली जांच दे विच उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की सी, ते इस करके उस जांच के की बिंदु सीगे, कित्थे कमियां रहीआं सीगियां, कौन दोषी सीगे, ते उस जांच दे विच की सामने आया, ते इसे करके जिहड़ी है मीटिंग सद्दी गई है, ते कहा जा सकदा है कि काफ़ी अहम मीटिंग है, ते बाकी और मीटिंग दे विच की रिहा, की फैसला किया गया, की अल्टीमेटम दिता गया, वो एक बजे दसिया जा रहा है कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह जिहड़े ने वो मीडिया दे नाल रूबरू होणगे, ते उहदे विच परम काफी कुछ जिहड़ा स्थिति साफ हो जाएगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद तपिन तुहाडा, तुसीं साडे नाल इसे तरह बने रहना। एक होर खबर अमृतसर तो वड्डी सामने आ रही है, उसे ते भी असीं गलबात जरूर करांगे, पर फिलहाल दर्शकों नूं दस दिए कि श्री अकाल तख्त साहब दे विच अज मीटिंग हो रही है, बेअदबी मामलों नूं लैके अहम बैठक सदी गई है श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार वालों, ते निहंग जथेबंदियां भी पहुंचियां ने, ते साबका SIT मुखी रणबीर सिंह खटड़ा भी मौजूद ने।